अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के एक बड़े मशहूर मारूफ इलाके गुलशन इकबाल में, और अगर पीएस की बात की जाए तो पीएस 101 जो कि पिछले इंतखाबात में 102 था, इस बार 101 से कौन कौन कैंडिडेट उम्मीदवार है, कौन कौन सी सियासी जमातें यहाँ से इंतखाबात के लिए लड़ने जा रही हैं और इस हलके के मसाइल क्या हैं। हलका जिसके अंदर गुलशन इकबाल 13D, ईसा नगरी गुलशन 5D और मुख्तलिफ इलाके आते हैं, कोई 3.5 लाख से ज़ायद की आबादी है और 1,70,000 के करीब लोग यहाँ पर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, तो इस हलके के लोगों का क्या कहना है और इस बार इस हलके में कौन बाजी मारने जा रहा है, सब कुछ बताएंगे आज के शो में। वोट के वक्त जब होता है ना, उस वक्त तो यहाँ बैनर भी लग जाएंगे, झंडे भी लग जाएंगे और टेंट भी लग जाएंगे। अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ है? अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये देख लें, पूरा हाल आपके सामने है। तो तोड़ फोड़ के इधर का रास्ता बंद, इधर का रास्ता बंद, गाड़ियों का सत्यानाश, चलने फिरने से बेजार। अच्छा, पिछली बार आपके हलके से सूबाई असम्बली की भी और कौमी असम्बली की भी तहरीक इंसाफ ने सीटें निकाली थी, कभी कोई नहीं आया उसके बाद, ये इसी तरह मसाइल यू के तू हैं ऐसे ही। वो MP MNA साहब ने शक्ल नहीं दिखाई दोबारा? कभी नहीं आए उसके बाद, कभी नहीं आए। देखे ना हाल, जो पानी बह रहा है, ये चलने औरतों फिर तो बच्चों की ये इतनी परेशानी है, गटर बह रहे हैं। आपने पिछले इंतखाबात में किस पर भरोसा किया था? मैंने MQM को वोट दिया था। अच्छा, लेकिन तब वो आए नहीं। मुश्किल से वो जीते नहीं। नहीं जीते, लेकिन वो ये ज़रूर था कि उनके पास जाकर अगर बोल देते तो ये गटर वगैरह कम से कम हो जाता था। अच्छा, एक्सेस है उन लोगों का ये। अच्छा। लेकिन ये जो है ना, ये जब से मुसलसल ये कंटिन्यू पूरा ये साल से ज़्यादा हो गया, तो दो अब कोई 10-15 दिन के बाद दोबारा लोग आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे? खटखटा रहे हैं लोग, लेकिन ये कि ऐसा समझ में नहीं आता किसको देंगे। दिल नहीं चाहता देने का, ईमानदारी की बात ये कि देखें ना आप, जो मसाइल हैं वहाँ जूँ के तू हैं, जब ये मसाइल से हम भी गुजर रहे हैं तो फिर उनको क्या ज़रूरत है? क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात इस बार आपके हलके में काम कर सकती है? पीपल्स पार्टी। अच्छा, लाजमी करेगी वो। कौन सी बात पसंद है पीपल्स पार्टी की? वो जो काम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके हलके में पहले कौन सा काम किया उन्होंने? बहुत सारे काम किए। जैसे कि यहाँ पर आज तक तो कुछ दिखाया नहीं उन्होंने कारकर्दगी, ये देखे ना। अच्छा, कहते हैं सिर्फ, ये तो बाबा जी तो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। मैं यहाँ तकरीबन जो है ना, हाँ, ये 30-35 साल हो गए रहते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? हमें 22 साल हो गए। चले, ये तो आपसे 10-12 साल और पुराने हैं। खेत थे, ये सारे खेत थे उस वक्त जब हम यहाँ पर आए थे, रिहाइश हुई थी। आज भी वही हाल तो नहीं हो गया? बिल्कुल, ये तो उससे भी बदतर हो गया, ये बात आप भी मान रहे हैं। अब की बार भरोसा किस पे करना है? पीपल्स पार्टी पे। क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी की कौन सी बात ऐसी है जो आपको पसंद है? बात तो कोई नहीं, बस वैसे शुरू से वोट दे रहे पीपल्स पार्टी को, इसी को। तो ये बात अच्छी है, इस बात को सही समझते हैं आप। भाई, वोट तो उसका होना चाहिए ना जिस पर आपको भरोसा हो, काम तो करेगा, चाहे वो आजादी क्यों ना खड़ा हो, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलें जनाब, लोग किसको वोट दे रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ आ रहे हैं, इस बार कौन आपके हलके से तगड़ा दिखाई देता है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कोशिश तो यही है कि इमरान खान को अच्छा वोट दिया जाए। हाँ। बाकी जो आपके सामने ही है। हाँ। इस तरह सिस्टम चल रहा है, अब सिस्टम अगर जिसको चाहेगा वही लेके उसी को ला सकते हैं। आप अपने तई PTI को वोट डालेंगे? PTI को ही वोट डाले। पिछली बार आपने किसको वोट डाला था? PTI को। तो आपके तो खुशकिस्मत है, आपका वोट तो बड़ा फायदेमंद साबित हुआ, दोनों सीटें उन्होंने निकाली थी यहाँ से। बिल्कुल, काम तो हुआ नहीं, पर तो माशाल्लाह भाई, उनको टाइम ही पूरा कहाँ करने दिया? चार साल बड़ा अरसा होता है। नहीं, 4 साल में तो काफी काम किया, लेकिन माने महीना भी बहुत होता है काम करने को, एक महीना भी बहुत होता है, एक हफ्ता भी बहुत होता है। काम हुआ इस इलाके में, रहता हूँ। हाँ। इस इलाके में PTI वालों ने बहुत बड़े पैमाने पे काम कराया, पूरी सेवरेज की वो पानी की लाइनें डलवाई गली गली के अंदर। हाँ। और रोड बनवाए। हाँ। लेकिन ये सारा इन्होंने जाहिलाना काम किया, इनको सबसे पहले सेवरेज की लाइनें सिस्टम सही करा, मतलब वो सारा पाप जो कराया, रोड बनवाए, 20 रोड बनवाए गलियों में। हाँ। सारे बह गए 1 साल के अंदर। नाकिस रोड बनवाए ना? नाकिस नहीं, वो सेवरेज का निजाम खराब था ना। अच्छा। गटरे उबली सड़कें, पूरी लाइन डलवाई है भाई। अच्छा। आप वहाँ से देखे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस बार आप समझते हैं कि वही लोग काम कर सकते हैं? बाकी अल्लाह मालिक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जो PTI को नहीं जीतने दे, PTI को नहीं जीतना चाहिए, ये तो कह रहा है PTI को नहीं जीतना चाहिए। PTI को कोई भी नहीं जीतने देना चाहता। हाँ। जो मुल्क की तरक्की चाहता है वो PTI को जीतने नहीं देना चाहता। अच्छा,
अच्छा कौन जीतने देगा और कौन नहीं जीतने देगा इस हलके में? ये तो कराची का बड़ा मशहूर इलाका है, लोग कहते हैं मतलब आज से कुछ साल पहले चले जाए तो लोग फखर करते थे यार गुलशन में रहता है, तो अब तो ये गुलशन नहीं लगता, वीरान लगता है। ये जो भाई खंडात बना दिया है ये जो पूरा देखो ना, दो साल से टूटा फूटा पड़ा है और ट्रैफिक कितना जाम होता है, यहाँ से पंचर हो जाते हैं गाड़ियों के, व्हील खराब होते हैं, बनाओ यार रोड इनको बोलो। पिछली बार पीटीआई ने दोनों सीटें निकाली थी, सूबाई की भी कौमी की भी। पीटीआई ने तो एक काम भी नहीं किया है। अच्छा और क्या बताओ, तुम बताओ कोई काम किया हो इधर कराची का? कराची से जीत के आपने पिछली बार किस पर भरोसा किया था? हमने तो एमक्यूएम पे भरोसा किया था, उन्होंने बनाया कराची को। और इस बार किस पे भरोसा कर रहे हैं? अब भी उसी पे करेंगे, एमक्यूएम पर कराची में। आप समझते हैं वो काम कर सकते? वो काम करेगी। चलें जी, बिल्कुल लोगों की मुख्तलिफ आ रहे हैं। पीटीआई ने कोई काम नहीं किया, रोड सारे टूटे हैं, पानी से आए दिन इधर पानी होता है, मैं इधर का रहायशी हूँ। पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया, तो किया होगा कुछ भी नहीं किया, किसी के कहने पे तो नहीं कह रहे हो? किया है, किया महंगाई की है, महंगाई बहुत की है पीटीआई ने। लेकिन अच्छा तुम्हारे हलके का सबसे बड़ा मसला कौन सा है इस इलाकों का? इलाकों का मसला ही ये पानी आए दिन गटर भरे रहते हैं, सीवरेज का निजाम। कुछ अहबाब कह रहे हैं कि जो पिछले मुंतखब नुमाइंदे थे जो कि दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। कुछ कह रहे हैं कुछ हल्का पुल्का काम किया था, आप क्या समझते हैं? नहीं माशाल्लाह अच्छा काम किया है काफ़ी इलाकों में, हर इलाके पर डिपेंड करता है। अच्छा कहीं पर किया कहीं नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया। आलमगीर भाई बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, उन्होंने हमारे गुलशन इकबाल को काफ़ी तरक्की दी, काफ़ी जगह काम कराया। पर इस वक्त ये गुलशन का बड़ा ये तो जाना पहचाना इलाका है तेराडी, तो इसकी हालत ज़ार तो कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है? नहीं हालत ज़ार अभी है, जो पीडीएम की हुकूमत थी इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बच्चों की लाशें तक अंदर से निकलती हैं, गट्टों के नाले के ढकने तक गायब है, उसमें कितने बच्चे गिरे, कितने बाइक वाले गिरे, हम लोग गिरे कई दफ़ा। पिछली बार आपने किस पर भरोसा किया था? हमने पीटीआई को वोट दिया था कि यहाँ से जीते नहीं थे, यहाँ से तो दोनों सीटें उन्होंने निकाली थी, पीटीआई को दिया था। हाँ, और इस बार भी इंशाल्लाह पीटीआई। अच्छा कोई वजह है या? वजह काम करेगा इंशाल्लाह, करेगा उम्मीद रखते हैं जनाब, काम करेगा। दोनों सीटें सूबाई और कौमी असम्बली की पिछले इलेक्शन में पीटीआई ने निकाली थी, कितने वो आपके तवक्कात पर पूरा उतरे? उतरे तो कोई भी नहीं है। अच्छा जी, काम नहीं हुआ कोई? नहीं, हमारी सड़क बनी नहीं है। हाँ। हमारी गली में लाइट नहीं लगी हुई। हाँ। लाइट उठाई है मैं। यहाँ आप क्या समझते हैं आपके इलाके में सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सड़क नहीं बनी हुई, सड़कें खराब हैं जी। हालांकि गुलशन तो बड़ा अच्छा इलाका समझा जाता है। हमारी गली जाकर देखें कि ये गली में सड़क बनी ही नहीं है। हम वोट देते हैं कि हम नहीं वोट नहीं देते, वोट हम पीटीआई को देते हैं। अच्छा जी, तो फिर आपके वोट का फायदा तो नहीं हुआ भाई, क्या करें? तो इस बार कुछ इरादा बदला है या इस बार भी वही रविश है? वही है, तो बल्ला। तो फायदा क्या जब काम नहीं हो रहा है? भाई हर जगह यही होता है। हाँ। वोट हम देते हैं। हाँ। ये नहीं कहते हम वोट नहीं देते, हम वोट हम देते हैं। हाँ। मगर काम नहीं होता। आप ये नहीं समझती कि वोट उस शख्स को देना चाहिए जिसे आप जानती हो, जिस पर एतमाद हो? एतमाद तो किसी पे भी नहीं है। हाँ। किसी पे भी एतमाद नहीं है कि भाई हमारी लाइट, सबसे पहले ये मसला है कि हमारी सड़क नहीं बनी, सड़क पहली बार बनते 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 भी रुके। तो आपके एमपी एमएनए कभी नजर आया आपको यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अच्छा जनाब, तो जो एमपी एमएनए कोई भी इलाके में कभी नजर नहीं आता? आधा काम हो गया। हाँ। आधा काम हो गया कि ये गली की बन गया, पीछे वाली गली तो बनी नहीं है। हाँ। वो यही बोलते हैं कि भाई जब इलेक्शन आएंगे फिर बनेगा। हाँ। और जब इलेक्शन भी आ जाते हैं बंदा भी चला जाता है। हाँ। तो उसके बाद सब कुछ हट जाता है, उसके बाद सब कुछ हट जाता है। अब तक तो सड़क नहीं बनी, और अब वो सड़क इस बार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो अब इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा जब मुंतखब नुमाइंदे आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो गुलशन इकबाल का ये इलाका है ना जिसका नाम गुलशन है यानी कि बाग गार्डन, तो ये कितना गुलशन है इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की सूरत हाल क्या है। अच्छा जनाब, PS-101 NA-236 का जो PS है, यहाँ की मार्केट का सर्वे करते हैं, जैसे कि हम हर हलके में जाकर वहाँ पर मार्केट का सर्वे करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जो कारोबारी हजरात होते हैं जो आम शहरी हैं वो क्या समझते हैं इस हलके के मसाइल क्या हैं और कौन उसे हल कर सकता है, एक मार्केट सर्वे करते हैं और फिर आपको बता। गुलशन तेराडी में लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं ज़रा बात करते हैं। पिछली बार तो पीटीआई ने दोनों सीटें निकाली थी,
पीएस की भी और एनए की भी, इस बार भी उन्हीं को निकालनी चाहिए या किसी और को? निकालनी तो चाहिए उनको, उनका बनता है निकालने का, और विनिंग होना चाहिए पीटीआई को इस बार भी। तो पिछली बार उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने काम किया? बिल्कुल काम किया उन्होंने। अच्छा, पर इस वक्त हालत तो कुछ कदर बेहतर दिखाई नहीं दे रही है इलाकों की, क्योंकि अभी जो है फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ही नकारा हो चुकी है, नापैद हो चुकी है, और जो है सिटीजन बेचारे परेशान है, हर तरफ कचरा है और ये चीजें हैं इधर बस। आप समझते हैं पीटीआई काम कर सकती है? पीटीआई काम कर सकती है। चलें जी, पीटीआई काम कर सकती है या नहीं कर सकती ये लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इस हल्के से वही जीते थे, तो जरा बात करते हैं लोगों से। कौन सी सियासी जमात काम कर सकती है? कोई भी नहीं। पिछली बार पीटीआई करेगी, लेकिन उसको करने काम दिया जाएगा। पिछली बार भी तो दोनों सीटें उन्होंने ही निकाली थी, उनको पावर काम दी थी, चार साल थे। अरे मुझसे ज्यादा जानते हो बेटा, 62 साल उम्र है, तो भी जो 8 दिन हुए। अच्छा, मैं खुद। आप समझते हैं कि वही काम कर सकते हैं? और क्या। चलें जी, देखते हैं कि वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे मौका देते हो, मैं कर लूंगा काम। आपको मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको फिर कागजात जमा कराने चाहिए थे। कौन से कागजात? कागजात नामजदगी यहाँ से हल्के से। अच्छा, पिछली बार पीटीआई ने सीट्स निकाली थी, काम कितने फीसद हुआ आप समझती हैं? मेरे ख्याल में तो 0% हुआ है। 0%? तो ये तो अंकल तो कह रहे हैं बहुत काम हुआ है। अंकल आपको कुछ भी नहीं हुआ? हालत कुछ भी नहीं हुआ। तोड़ गाड़ के देखे तो आप हालत, सड़कों की क्या हालत हो रही है। इस बार आप क्या समझते हैं कौन काम कर सकता है, किसे वोट जाएगा? अंकल कह रहे हैं मुझे देना। आप किसे, आप किस पर एतमाद कर रही हैं? मैंने पिछला तो इमरान खान पे किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इस बार कुछ और? अब रिस्क तो करना ही पड़ेगा कुछ। अच्छा, आप दोबारा सोचेंगे कि जनाब अब किसको वोट देना है? पिछली बार पीटीआई को दिया था, पर बकौल इनके के जनाब यहाँ काम नहीं हुआ। इस बार काम होता है या नहीं होता, और कौन करता है ये तो लोग ही बताएंगे। किस पर एतमाद करेंगे पीएस, आपके इलाके के जो लोग हैं इस बार इलेक्शन में, क्या लगता है? मेरे टीएलपी को जाता है। टीएलपी को जाएगा? आप समझते हैं टीएलपी काम कर सकता है? पिछली बार किसको वोट गया था? टीएलपी को। टीएलपी को गया था। अच्छा, यहाँ से तो दोनों सीट्स पीटीआई ने निकाली थी, सुबाई की भी कौमी की भी, कितना काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 10%, 5%? मैं नया आया हूं। अच्छा, 20% हुआ। ये बड़ी मुख्तलिफ एक राय आई है। अच्छा, 20% हुआ पीटीआई का, पीटीआई के दौर में 20% काम हुआ। जी जी, आप जी जी बिल्कुल। अच्छा, कौन सा काम यहाँ समझते हैं जो उन्हें करना चाहिए था पर नहीं किया उन्होंने? सिर्फ महंगाई खत्म करनी चाहिए, महंगाई बहुत है, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, बिजली का बिल, गैस का बिल वो इतने आ रहे हैं कि उसकी वो सैलरी नहीं है, वो बेचारा परेशान है। अच्छा, कारोबारी हजरात जो यहाँ पर हैं इस हल्के के, उन्हें कौन सा मसला सबसे ज़्यादा उनके कारोबार को डैमेज कर रहा है? डैमेज ये कर रहा है कि देखें, अब जो चिकन का रेट आप इस पे आ जाए, हमें चिकन मिल रही है पीछे से महंगी, कराची क्रिस्टल जो है वो आके हमें जुर्माने दे रहा है 50,000 के, 25,000 के। हमने उनको यही बोला है कि हमें मुर्गी पीछे से सस्ती मिलेगी, हम सस्ती बेचेंगे, हमारी मजबूरी है। हमें पीछे से आ रही है 400 रुपये किलो, आप बोल रहे हो आप बेचो 324 रुपये किलो, हम कैसे बेचेंगे, हमारी मजबूरी है। इस बार क्या लगता है कि कौन सी सियासी जमात आपके हल्के के लिए बेहतर होगी? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, PMLN। हाँ। अच्छा जी, बिल्कुल, ये भी एक राय है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो समझते हैं कि, और यही जमहूरियत की ब्यूटी भी है कि लोग मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल होते हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों को पसंद करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पीपल्स पार्टी, कुछ MQM, कुछ PMLN को भी जो है वो सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। और जनाब PTI को पिछली बार यहाँ से लोगों ने एतमाद किया था, उस हवाले से भी लोगों से पूछ रहे हैं कि कितना काम हुआ या नहीं। कितना काम हुआ पिछले दौर में? दोनों सीट्स PTI ने निकाली थी यहाँ से, कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ 2%, 4%, 1% भी काम नहीं, 1% भी नहीं हुआ। अच्छा, ना यहाँ तो झाड़ू का निज़ाम है, ना कचरे का निज़ाम, ना किसी चीज का निज़ाम, कुछ भी नहीं है। हाँ, पिछली बार आपने किसको पसंद किया था, कौन सी सियासी जमात पे भरोसा किया था? PTI में। PTI में किया था, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। तो इस बार क्या रहा था? 8 किलो पीपल्स पार्टी, 46 बार पीपल्स पार्टी। जनाब, अब कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग फैसला कर रहे हैं। अगर पिछली बार किसी सियासी जमात को वोट दिया और उन्होंने काम नहीं किया, तो इस बार वोटर उन्हें वोट देने को तैयार नहीं है। इस हल्के में हम समझते हैं, हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, पर पिछले एतवार में तो यहाँ MQM सीटें निकालती रही है। जी जी, उससे पहले PTI थी। हाँ। जो ना, हमें इस वक्त भरोसा पीपल्स पार्टी पर है। पिछली बार किस पे भरोसा किया था? PTI पे। PTI में किया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कितने आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे?
कुछ भी नहीं उतरे। हमने तो अपने गाड़ियों पे भी पीपल्स पार्टी के पीटीआई के झंडे लगाए थे, तस्वीरें लगाए थे इमरान खान के, सारा कुछ किया हुआ था, पर कोई फायदा नहीं कुछ हुआ। भी 1% जिसको कहते हैं ना, हमें कोई फायदा नहीं हुआ पीटीआई से। अच्छा, पीटीआई को वोट देकर अब ना देने का फैसला आपने किस बुनियाद पे किया? कारकर्दगी की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे किया? नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पे ना, और क्या हो सकता है? जो वादे हमसे किए गए थे उसमें कोई अमल नहीं हुआ। आप समझते हैं इस बार पीपल्स पार्टी यहाँ काम कर सकती? बिल्कुल उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी काम करेगी। चले जनाब, पिछली बार जो मुंतखब नुमाइंदे थे एमपीए और एमएनए जो थे हल्के के, लोग उनसे कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहे, और लोगों से बात करते हैं उनकी क्या राय है ये भी जानते हैं। कोई इस काबिल नहीं है कि कुछ कुछ कर सके। कोई भी जो आएंगे इलेक्शन वाले सारे बेकार है, भरना भरते हैं अपने जेबें भरते हैं और ये जा वो जा। अब आप खुद अपने बल पे कोई काम कर ले तो भी। पिछली बार आपने किस पे भरोसा किया था? मैंने किसी को नहीं दिया, मैं देती पिछली बार भी नहीं दिया, नहीं दूंगी और ना देती हूँ। इस बार भी नहीं देंगे? लोग बड़े नाला है जनाब, लोग मायूस हो चुके हैं। बहरहाल वोट एक अमानत है और आपने वो अमानत लौटानी होती है। मेक श्योर ये करना होता है कि आप जिसको अपना वोट डाल रहे हैं आप उसके किरदार से, उसकी पर्सनालिटी से बखूबी वाकिफ हों, ताकि आपको पता हो कि आपका वोट सही जगह पर कास्ट हो रहा है। पिछली बार दोनों सीटें पीटीआई ने निकाली थी जी, कितना खुश है उनकी कारकर्दगी से? फिलहाल तो ये है कि उनको अगर फ्री हैंड दिया जाए तो मैं समझता हूँ वो काम कर सकते, वो काम कर सकते हैं, लेकिन उन पे जो है ना फ्री पाबंदियां हैं, इस वजह से वो जब उनका दौरे हुकूमत था 4 साल तो फ्री हैंड था, लेकिन जो यहाँ से एमएनए खड़े हुए थे तो उन्होंने तो ये है कि गटर मटर की खुद सफाई एमएनए खुद करता था। पर ये गटर तो पिछले 2 साल से आवाम बता रहे हैं कि ये ऐसी बह रहा है जहाँ पर बच्चा भी गिरा था, तो ये साफ नहीं हुआ? ये तो जो जो अपना केएमसी जो है, अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो जिनके जिम्मे पे है, ये तो उनकी सर जिम्मेदारी। इस बार आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? इस बार ये है कि अगर उसको फ्री हैंड दिया जाए तो हम तो पीटीआई को देंगे। सिर्फ नुमाइंदे थे, उनकी कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन है? कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं थी। एमपी भी पीटीआई का, एमएनए भी पीटीआई का, क्या हुकूमत भी उनकी, क्या किया है कराची में? क्या हुआ है? कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, क्या हुआ कराची के? आपके हल्के की सूरत हाल कैसी है अब? आप देख लो, जगह जगह रोड टूटे हुए पड़े हैं, गटर का पानी बह रहा है। आप इस इलाके के पुराने रहायशी हैं? नहीं, मैं इस इलाके का पुराना काम कर रहे हैं यहाँ पर। पुराना काम पहले कैसा होता था? गुलशन साफ सुथरा होता था, गुलशन ही था, गुलशन ही था, और अब ये गुलशन नहीं है? अब गुलशन नहीं है। अच्छा, चलो, इस बार आप क्या समझते हैं कि इस हल्के के लिए कौन सी सियासी जमात बेहतर हो सकती है? देखो, कोई भी आ जाए लेकिन काम करे तो बेहतर है ना। अब मैंने एक चीज़ देखी कि जमात इस्लामी वाले ना, वो काम करते हैं, करते हैं काम, ठीक है। मुत्तेजा भी जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, जब पावर होता तो काम करते हैं, काम करते थे। तो इस बार यहाँ पर जो तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है वो एमकेएम का पीटीआई और पीपल्स पार्टी का देखने में आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन बाजी ले जाएगा? इलेक्शन कहाँ होते हैं, सिलेक्शन ही होता है। अच्छा जी, आप चलें, कौन ले जाएगा ये तो इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा, और लोगों की क्या राय ये बड़ी अहमियत की हामिल है, वही जानने की कोशिश कर। पिछली बार एमपी एमएनए पीटीआई का था, किसी ने नहीं कराया, कोई काम नहीं हुआ? नहीं, इमरान खान यहाँ से जीता था, इतना पानी था यहाँ पे, 6 महीने पानी खड़ा था बारिश। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला सीवरेज है या सड़कें? सीवरेज है, यहाँ से वजीर आजम बना था इमरान खान, यहाँ से जीत कर। अच्छा जनाब, यहाँ पर जिन पर एतमाद किया था लोगों ने गुज़िश्ता इंतखाबात में, वो उनकी तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरे ये लोगों के कमेंट्स बता रहे हैं, और इस बार लोग किस पे भरोसा कर रहे हैं ये भी एक सवाल है। मैं इस वक्त PS 101 के यहाँ पर जो फ्लैट्स बने हुए हैं जिसमें बड़ी आबादी रहती है और बड़ी तादाद में फ्लैट्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं, ज़रा एक अपार्टमेंट में चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग क्या कहते हैं ये भी एक सवाल है, और ख़वातीन की राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है। कुछ लोगों ने जिन्हें पिछली बार वोट डाला इस बार वो अपनी राय बदलना चाहते हैं, कुछ लोग उस पर कायम हैं। छोटा सा सवाल है आंटी कि इस बार आप अपने हलके में कौन सी सियासी जमात को देखना चाहती हैं?
बेटा अभी हम किसी को भी नहीं देखना, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अभी तो आ जाएंगे सारे आपका दरवाजा बजाने के, वोट दे दो। आएंगे तो सही, लेकिन ये कि इतना दिल खराब हो गया है कि मुल्क के हालात इतने खराब कर दिए सबने। पिछली बार आपने वोट डाला था? जी हाँ डाला था। किस पर भरोसा किया था? देखिए पहले मैंने एमकेएम को दिया था, उसके बाद मैंने पीटीआई को दिया था। तो लेकिन अभी चले आपका वोट तो फिर बड़ा फायदेमंद हुआ, दोनों सीटें पीटीआई ने निकाल ली थी यहाँ से, कौमी असेंबली की भी, सूबाई असेंबली की भी। जी जी। काम नहीं हुआ क्या? नहीं काम तो इतना कोई काबिल जिक्र नजर नहीं आ रहा हमें। आपका वोट मतलब इतना फायदे में नहीं गया आपका? हाँ हालांकि मैंने वोट इनको दिया था लेकिन। और अब की बार? अब की बार नहीं दिल कर रहा। अब की बार दिल नहीं कर रहा है जनाब। किसको वोट दिया था और किसको देंगे ये सवाल कर रहे हैं। कौन सी सियासी जमात आपके हलके में काम कर सकती है? एक अरसा दराज एमकेएम सीटें निकालती आई है, पिछली बार दोनों सीटें पीटीआई ले गई थी। इस मरतबा या तो पीटीआई होगी या फिर पीपल्स पार्टी होगी, एमकेएम नहीं होगी। एमकेएम नहीं होगी? एमकेएम करती नहीं, कुछ भी नहीं करती। तो पीटीआई ने काम किया था पिछली दफा? किया था। अच्छा कौन सा काम आपके जहन में है? नहीं अब मैं थोड़ी यहाँ बैठ के गोल गोल घूमती हूँ। आपने किस पे भरोसा किया था पिछली दफा? मैंने पिछली मरतबा वैसे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने पीटीआई पे भरोसा किया था। अच्छा। वरना मैं हमेशा पीपल्स पार्टी की हूँ, मैं आज भी पीपल्स पार्टी की। अच्छा, तो इस बार किस पे भरोसा किया है? इस बार कौन? इस मरतबा मैंने सोचा मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगी। किसी को भी नहीं देंगे? पीटीआई को भी नहीं देंगे? नहीं नहीं किसी को भी नहीं देंगे। चले जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, लोग क्या राय रखते हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं। ये सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि जब लोगों की राय सामने आती है तो पता चलता है कि इस हलके की सूरत हाल क्या है और इस हलके में कौन सी सियासी जमात लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर आएगी। क्या समझते हो पिछली बार पीटीआई ने दोनों सीटें निकाली थी तुम्हारे इलाके से, कितने फीसद काम हुआ? यार कुछ बोल नहीं सकते, देखो काम करवाने वाले आता कोई भी नहीं है, सब बातें करके चले जाते हैं। बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव थे एमएनए तो आपके इलाके के, आलमगीर साहब। अब मैं आपको क्या बताऊंगे, काम एक चीज़ नहीं दिख रही हमें यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ा मसला कौन सा है इस इलाके का? जैसे गटर के ढक्कन वगैरह उठा के ले आते हैं, अभी पिछले साल ही बच्चा गिरा इधर, अब उनको ये ख्याल नहीं है कम से कम गटर के ढक्कन ही सारे लगवा दें। यार एक ढक्कन आप दिखा दो यहाँ पे जो लगा हुआ, एक ढक्कन नहीं लगा हुआ, ऊपर से रोड आप देखो जाके हर जगह ये रोड चल रहा है आपका, इधर गड्ढा है उधर गड्ढा है, अब बंदा जाए तो किधर से जाए। और ये गुलशन इकबाल का इलाका है? गुलशन इकबाल का इलाका है। आप क्या समझते हैं पिछली बार अगर मुंतखब नुमाइंदों से लोग खुश नहीं थे तो इस बार इस हलके के लोग किस पर एतमाद करेंगे? यार लोग तो तंग आ गए हैं, लोग बोलते हैं हम किसी पे एतमाद नहीं कर रहे, बस जाते हैं वोट डाल देते हैं, जिस जब समझ नहीं आएगा किसी को भी डाल के आ जाएंगे, किसी को भी डाल कर आ जाएंगे। सर पीटीआई ने दोनों सीट्स निकाली थी पिछली दफा, इस दफा भी निकाल लेंगे? आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? पिछली बार कौन सा काम ऐसा है आप समझते हैं कि उनका बड़ा अच्छा काम नहीं था? नहीं यार उन्होंने हक की बात करी है। अच्छा उन्होंने हक की बात की, कारकर्दगी पे वोट नहीं देना है? कौन कारकर्दगी, कौन करता है कारकर्दगी? जब आप क्या किसी को वोट डालते हैं तो उसकी कारकर्दगी को देखकर वोट डालें? बताया ना गैस है, सही है ना, पानी है ना बिजली है, हमें तो इसी उलझनों में बुझा हुआ है ना कि इसको वोट दो इसको वोट दो। पीटीआई तो फिर भी यार एक हकूक की बात करी उन्होंने, नवाज शरीफ है पीपल्स पार्टी का, इनका तोड़ा ये दो रोड। आप समझते हैं कि इस बार वो कुछ डिलीवर कर पाएंगे? करेंगे। पिछली बार नाकाम रहे? नाकाम तो नहीं रहे यार, कोरोना में कितना अच्छा काम किया उन्होंने। नहीं नहीं मैं आपके हलके की बात करूं क्योंकि हलके तो में काम... तो भाई हलके में तो आते रहते काम करते रहते। अच्छा चले जनाब, आपको ही पता है मीडिया वाले आप हमसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं? अच्छा जनाब अब लोग पीएस 101 में जो NA 236 का पीएस है यहाँ पर किस पर भरोसा कर रहे हैं, ये एक सवाल है जो हम लोगों से कर रहे हैं और इसी से पता चलेगा कि कौन सी सियासी जमात तगड़ी है इस हलके से। इस बार वोट किसका है यहाँ पर? इस बार वोट तो हम एमकेएम को देंगे। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार भी इनको दिया था। अच्छा पर आपके इलाके से तो दोनों सीटें पीटीआई ने निकाली थी, वो तो फिर क्या कर सकते हैं फिर? काम हुआ था? काम तो बिल्कुल नहीं हुआ पीटीआई की तरफ से, हमें तो कुछ नहीं ऐसा लगा, महंगाई हुई है बस ये हमें पता है, महंगाई के अलावा और कोई काम ही नहीं यहाँ पे हुआ। तो इस बार आपको लगता है कि एमक्यूएम यहाँ से जीत सकती है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह जीत सकती है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, कौन सी सियासी जमात आप समझती हैं इस हलके में बेहतर है? पीटीआई। पीटीआई? हाँ। तो पिछली दफा भी दोनों सीटें उन्होंने ही निकाली थी? बस इमरान खान, इसके अलावा कुछ नहीं। किस बुनियाद पर? हक के लिए लड़ता है वो। काम किया आपके हलके में? बिल्कुल किया। क्या नहीं किया? काम नहीं किया? ये आपकी साहबजादी तो कह रही है काम नहीं किया। नहीं नहीं पीटीआई। आपका वोट किसके लिए?
अच्छा ये बड़ा जबरदस्त ओपिनियन है, एक ही घर में जो माँ है वो पीटीआई की सपोर्टर है और उनकी बेटी जो है वो एमकेएम की सपोर्टर है। काम हुआ या नहीं हुआ ये लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनाब देखते हैं कि इस बार लोग PS-101 के किस पर भरोसा कर रहे हैं। भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पर हो सबसे पहली बात। दूसरी बात गुजारिश ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सलाहियत वाले लोग हैं, ठीक है ना। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये मसाइल आ क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है, तो ये हमें कुरान और हदीस से पता लगेंगे कि मसले आए क्यों और निकलने का रास्ता भी कुरान में है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिर्फ पाकिस्तान वालों के नहीं सारी दुनिया के इंसानों के लिए मसला हल है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाने जिसके आयत का मफहूम है कि जब तुम हमारे जिक्र से यानी हमारी इताअत और हमारे नबी की इताअत से मुंह फेरोगे तो हम तुम लोगों की मईशत को तंग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कुरान हमें बता रहा है फंसने का रास्ता, और निकलने का रास्ता क्या है कि जब तुम तक्वा इख्तियार करोगे यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर, अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत होगी आपके साथ, फिर जमीन और आसमान की बरकत अल्लाह सारी इंसानियत के लिए खोल देंगे। मैं सतही सवाल कर रहा हूँ कि इस हलके में पिछली बार पीटीआई ने दोनों सीटें निकाली थी, काम कितना हुआ? इतना तो गौर नहीं हुआ। बहरहाल ये है कि सभी अच्छे हैं माशाल्लाह, मगर ऐसे आ जाएं कि भाई जो बुनियादी यही है, इसके अलावा निकलने का रास्ता हमें नहीं पता और कौन सा है। चलें जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, आपने नियत साफ रखनी है और ईमानदारी से काम करना है तो यकीनी तौर पर आप मुश्किलात से आगे निकल सकते हैं। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, किसको बेहतर समझते हैं, ये लोगों से बात कर रहे हैं। कौन सी सियासी जमात आप समझती हैं जगह पर काम कर सकती है? यहाँ पे एमकेएम। एमकेएम कर सकती है, पिछली बार तो पीटीआई ने दोनों सीटें निकाली थी, कितना काम हुआ? काम एमकेएम ने करवाया। काम एमकेएम ने करवाया, इस बार आपका एतमाद एमकेएम पर है? पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? पिछली बार काम नहीं हुआ यहाँ पर? कौन सा सबसे बड़ा मसला है इस इलाके में? सबसे बड़ा मसला यहाँ पे मेन सेवरेज का, उसके बाद मेन जो है यहाँ की रोडों का है। सड़कें और सेवरेज बिल्कुल तबाह हो चुका है, तबाह बर्बाद है। मतलब इंसान गाड़ी निकालता है किस्तों पे, जो 3 साल चलने का जो टाइम एवरेज होता है वो 1 साल में गाड़ी पूरी हो जाती है। जब तक किस्तें पूरी होती है गाड़ी भी पूरी हो जाती है जी। अच्छा जनाब, सेवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड सड़कें हैं ये तबाह हाल हो चुकी है। 101 पीएस की बात कर रहे हैं, 36 के अंदर ये पीएस आता है। लोग इस बार किस पर एतमाद करेंगे? पिछली बार जिन्होंने सीट्स निकाली थी यहाँ से, जो विन किए था, उनकी कारकर्दगी कैसी रही, लोग कितना मुतमईन है, ये सारी बातें आज के शो में हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद PS-101 के लोगों की राय आने वाले इंतखाबात के हवाले से और गुज़िश्ता मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से आपको। अच्छा जनाब, PS-101 गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ यूसीस टाउन जिस पीएस में आते हैं, इस गुलशन इकबाल का हाल क्या है ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। 13D के इलाके में मौजूद हूँ मैं इस वक्त, और ये मेरे अकब में मार्केट है, और ये मेरे बाएं जाने आप देख सकते हैं कि एक नदी है, और ये साफ़ पानी की नदी नहीं है जनाब, ये गंदे पानी की एक नदी नुमा बन चुकी है। पूरा कोई 1 किलोमीटर से तवील ये रोड है, जिस पूरे रोड के ऊपर जनाबे आली गटर बह रहे हैं, उबल पड़े हैं, मलबा पड़ा हुआ है। अब यहाँ इस सड़क की हालत ये हो गई है कि ये ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है, कोई गाड़ी मुझे आते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देती। हालांकि इतनी बड़ी सड़क है, यहाँ से बड़ी तादाद में ट्रैफिक गुजरा करती थी, पर जनाब इस वक्त ये बंद पड़ी हुई है। इलाके की सूरत हाल क्या है? मेरे साथ जहांगीर आफरीदी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस इलाके के रिहायशी हैं। जहांगीर, गुलशन का मतलब तो होता है गार्डन, पैराडाइज, ये गार्डन है? आप देख सकते हैं यही गार्डन है। अभी तो देखें, एक टाइम था जब गुलशन इकबाल का एक नाम था, आज से 10-15 साल पहले आप जाएं तो अगर आप किसी को कहते थे मैं गुलशन में रहता हूँ तो अगला कहता था कि भाई आप कराची के एक पोश एरिया में रहते हैं। अभी आप खुद हाल देख सकते हैं गुलशन का। यहाँ पर पिछले साल मई में एक बच्चा गिरा था, उधर्स नाले में गटर में बच्चा गिर गया, बच्चा गिरा हाँ। था बिल्कुल, उसके लिए रोड खोदे, क्या कुछ किया, क्या हम लोगों ने दिन रात लगातार 5-6 दिन और रात हम लोग यहीं पे थे, बच्चा नहीं मिला। जिनका बच्चा गिरा था वो यहीं पे ऊपर रहते हैं ऑन हाइट्स के रिहायश। आज भी ये मसला जो अभियान नाम था, बिल्कुल आज कोई नहीं, मतलब एक बच्चा, मासूम बच्चा अपनी जान से चला गया, उसके बाद भी इंतजामिया को होश नहीं आया। 8 साल का बच्चा गिरा था, अभियान नाम था, और वो आज तक नहीं मिला, उसका कुछ पता ही नहीं है कि उसकी लाश, उसके घर वाले आज तक सदमे में।
तो ये हाल है यहाँ का आप, और ये तो कुछ भी नहीं, आप आगे जाएं तो हाल देखें, इधर रोड खोद देते हैं गलियां। तो फिर एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ के उहदेदार भी हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 10-15 साल पहले यह पॉश इलाका कहलाता था, काम क्यों नहीं हुआ फिर, काम पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही? हमसे जो होता है देखें, अब आप इससे पहले हमारे यहाँ से जीते थे, MQM जीतती हुई आ रही है, लगातार MQM जीतती हुई आ रही है, हम कभी यहाँ से नहीं जीते। उसके बाद PTI को इंतखाबात में तो MP MLA ने दोनों PTI के थे, उनको फंड्स मिले, गलियाँ खोदी, रोड खोदे, चल मेरा भाई, कोई पूछने, फिर दोबारा से तो उन्होंने कभी पलट के काम भी नहीं किया। आप यहाँ देख सकते हैं, आप 18 से पहले भी यहाँ का हाल देखें, बिल्कुल बेहतर था, इन्होंने रोड खोदे, इन्होंने जो है गलियाँ खोदी, फिर बंद नहीं की, बारिशों में वही हाल हुआ। अच्छा, जो इस PS की अगर बात करें हम, जिसकी लाखों में आबादी है, 4 लाख के करीब आबादी है, 3.5 लाख की आबादी है, सबसे बड़ा मसला इस PS में क्या दिखाई देता है? सबसे बड़ा मसला यहाँ का सेवरेज का है, ठीक है, और फिर आ जाए रोडों पे, हाँ। फिर तीसरा जो है पानी का बड़ा इशू। पार्क्स तो फिर एक आध यहाँ मौजूद है, पार्क्स है काफी है, हाँ। और कुछ जो थे हम लोगों ने खुद भी उनको ठीक किया है, कुछ खराब हो गए थे उनको डेवलप, हाँ। किया है दोबारा, हाँ। से, हाँ। पार्क का इतना वो नहीं है, मेन हमारे जो बेसिकल इशू है वो सेवरेज का है। आप बताएं, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो और आप जो है आपके घर के बाहर जो है गंदा पानी पड़ा हो, आपके मतलब आपके मेहमान आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो कहते हैं हम कहते हैं हम गुलशन में रहते हैं, और जब वो आके इस गुलशन का बाग देखते हैं तो फिर। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस बार सियासी जमातों में कौन तगड़ा है इस PS के अंदर? पिछली बार तो PTI विन की थी, तो लाजमी बात है उनका वोट बैंक तो होना चाहिए यहाँ पर। वो कैसे विन किया था वो तो सबको पता है। अच्छा, आप समझते हैं इस बार कोई और बाजी ले जाएगा? इस बार देखें, किस्मत तो सब अपनी जो है ना आजमा रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर करें, हमारी तो पूरी। चलें, आप तो पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे किसको रखते हैं? मैं दूसरे नंबर पे MQM को। MQM का वोट बैंक तगड़ा है जनाब, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी बाहर कैफ यहाँ मौजूद है। पिछली बार PTI ने सीटें निकाली थी, कुछ जो इलाका मकीन है उनसे भी बात करते हैं। MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, कौन बेहतर है इस हलके के लिए? देखें, अगर हम पिछले 2018 के बाद से देखें ना इस इलाके की कंडीशन, तो जो है ना बद से बदतर ही होती है। 2018 के बाद जी सही है, आलमगीर खान को हमने कभी इस हलके में नहीं देखा, सिवाय जो है ना ट्रैक्टर में घूमने के अलावा या फोटो सेशन के अलावा। सोशल मीडिया पे तो काफी एक्टिव है वो। सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है ना, सोशल मीडिया पे मैं भी काफी एक्टिव हूँ। अच्छा, ठीक है, ये DC इस वाटर एंड सेविज बोर्ड के पास 8 से 9 एप्लीकेशन लगी हुई हैं। अच्छा। ठीक है, इस मसले की एक बच्चा भी इसमें गिर गया था। उसी के वक्त खुदाई के वक्त ही तोड़ी गई थी ये लाइन, सही है, उस वक्त की 8 से 9 एप्लीकेशन लगी हुई है, मगर आज तक जो है ना वो आई नहीं। वो उनका एक जवाब होता है, मैं खुद वाटर एंड सेविज बोर्ड से होकर आया हूँ कमले, उनका एक जवाब होता है हमारे पास फंड नहीं है। आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए का फंड नहीं है इस काम के लिए, यहाँ तक कि अपार्टमेंट की यूनियन ने ये तक कह दिया है कि आप सिर्फ खोदने की मशीन दे दें, हम पाइप खुद लगा के जोड़ लेंगे। खुद तैयार है, उनके पास वो भी नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बताएं कि जो है ना इस बार इस दर से हम किसी को वोट नहीं देंगे, ठीक है। पिछली बार किस पर एतमाद किया था? पिछली बार MQM पे एतमाद किया था, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जिसको लाना था वो आ गए। लेकिन इस बार जो है चांसेस है, कंपटीशन है पीपल्स पार्टी और MQM का। पीपल्स पार्टी और MQM कौन इस हलके से बाजी ले जाएगा, जरा हलके के लोगों से बात करेंगे और उनकी जेन्युइन जो राय है, उनका ओपिनियन है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, MQM, PTI या व्हाटएवर, कौन सी जमात इस हलके के लोग समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI? पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है बेसिकली, हाँ। और यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो पीपल्स पार्टी देखती हुई आ रही है, हाँ। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही देखेगी, हाँ। मेरा नज़रिया ये है कि पीपल्स पार्टी के अलावा यहाँ अब कोई काम नहीं कर सकता, जो तक के मैंने देखा, गली कुंचों में भी हमने जाके देखा है, बहुत से काम जो थे सेवरेज के थे, पानियों का मसला था, बहुत से मसले जो हैं वो यहाँ से हल किए हैं। हमारे PS के सदर हैं मोहम्मद रियाज बलोच साहब, उनके साथ निशाना बिशाना जब उनको आधी रात को भी कॉल किया कि रियाज भाई ये मसला है, ये पंचायत है या कोई फलाना, तो वो जवान के बच्चे आधी रात को भी उठ के आए और हमारे साथ चले, उस काम को देखा, फोकस किया। अब बीच में वहाँ पे अपना कृषि अपार्टमेंट के साइड लाइनें जो है बिल्कुल वो हो गई थी, चौक लाइनें फट चुकी थी, तो उन्होंने जो है बड़ी कोशिश और जद्दोजहद से जहाँ कहीं से भी करके उन्होंने वो लाइनें डलवाएं, पूरा रोड बनवाया, आप चल के मेरे साथ देख भी सकते हैं। अब कुछ मसले मसाइल यहाँ पर भी हैं पानी के हवाले से या सेवरेज के हवाले से, काफ़ी हद तक तो यहाँ तक भी काम किया है, अब रोड का है वो भी इंशाल्लाह। पिछली बार PTI के MPA MNA आए, ईमानदारी से बताइएगा 100 में से कितने% काम किया है? मेरे हिसाब में से 100 में से 1% भी नहीं किया। 1% भी नहीं किया जनाब, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ,
और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने मंजर है वो मंजर कुछ अच्छा नहीं है। आपका ये जो गुलशन इकबाल का इलाका है, ये तो किसी ज़माने में बड़ा अच्छा इलाका होता था, आज ये जो हालत है, आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात इलेक्शन में आए तो वो काम कर सकती है? किस पे भरोसा है आप? क्यों दुश्मनी बोले? अच्छा चलो बहरहाल, MQM MQM हाँ, पहले भी MQM थी, अब भी MQM, हम यही चाहते हैं कि वो यहाँ काम करती है। अच्छा हाँ। अच्छा, पिछली बार PTI ने दोनों सीटें निकाल ली, दोनों निकाल ली थी हाँ। और उससे पहले MQM जीतती आई है, अगर इन दोनों के दो अदवार का मुकाबला किया जाए तो PTI ने कितने फीसद काम किया? नहीं, PTI ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। उनके MNA MPA नजर आते थे कभी इलाके में? कभी भी नजर नहीं आए। आपने इस बार भी MQM पे भरोसा करना है इंशाल्लाह? MQM इस हल्के के लिए बेहतर है या PTI? कोई भी नहीं बेहतर है भाई, कोई भी बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं है। किसी को तो वोट डालना पड़ेगा ना? नहीं, हम नहीं डालते किसी को, अमानत है, वो थोड़ी रख सकते हैं। तो इन लोगों ने हमें क्या अमानत दी है? हमारे लिए क्या अमानत दी? कुछ भी नहीं कर रहे। पिछली बार जो PTI के MPA MNA थे, अरे PTI को छोड़ दें, सारे ऐसे ही है। मैं तो कहती कोई अच्छा बंदा आ जाए तो बहुत बेहतर है। किसी आजाद उम्मीदवार को वोट देंगी क्या? नहीं, हम किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं, सिर्फ हम अल्लाह को देंगे। अच्छा, लोग थोड़े से गमो गुस्से में भी है, क्योंकि लाजमी सी बात है, जब आपके काम नहीं होते हैं, जो खड्डे खुदे हुए होते हैं उसमें हर बच्चा गिर जाता है, जो बाइक गिर जाती है, लेडीज़ गिर जाती है, नज़र आता नहीं, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्या करेगा? इससे तो बेहतर है इंसान अपने आप को वोट दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है, या अल्लाह को वोट दे दे। सही है। इस बार इलेक्शन में सब लोग आएंगे, आपका दरवाज़ा बजाएंगे, वोट दे दो। जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन बाद में हमें कोई देख नजर भी नहीं अंदाज करते। पिछली बार जो वो MPA MNA थे आलमगीर साहब, अरसलान ताज साहब, PTI से, कोई किसी को कुछ नहीं देता। आज तक मैं इस उम्र में भी काम कर रही हूँ, लेकिन ना बेनजीर के पैसे मिलते हैं, ना एहसास वालों के मिलते, किसी के भी नहीं मिलते। पिछली बार किस पर भरोसा किया था आपने? मैंने किसी पर भी नहीं किया था। किसको वोट दिया था? नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस बार तो देना पड़ेगा, लेकिन किसको दे? ये तो आप बताएंगी। नहीं, मैं तो इस दफा भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इस दफा बहुत तपी हुई हूँ सब पे। अच्छा, कौन सा मसला सबसे बड़ा है आपके इलाके का? हमारे इलाके का मसले को तो छोड़े, हमारा अपना मसला है कि इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। इलाके का मसला तो जो है सो है ना बेटा, मैं कहाँ से आती हूँ? शालतीफ टाउन से यहाँ काम करने आती हूँ, इस उम्र में बहुत दूर है, बहुत दूर है। आप समझती हैं कि हुकूमतों को सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ ना कुछ इकदाम? हम बसों में आते हैं, 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ते हैं, वो 10 रुपए हम पे बढ़ाते हैं, जब कम होता है हमें वही किराया देना पड़ता है। बिस तो गरीब रहे ना, 2 बजे कह जाती है, शाम को 7 बजे आती है, और बिल इतना बड़ा आ जाता है। अच्छा, बिल बड़ा आ जाता है। मसाइल तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर समझते हैं कि पिछली बार जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने काम नहीं किया, तो इस बार उन्होंने अपना इरादा चेंज करना है और वोट किसी और को देना है। उससे पहले 2018 से पहले जो MQM यहाँ से नशिस्तें जीतती आई है, तो कुछ सपोर्टर्स उनके दिखाई देते हैं और समझते हैं कि एक बार दोबारा MQM को मौका मिलना चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी का जो काम है वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस हलके को विन करती है तो इस इलाके की जो हालत ज़ाहिर है वो कुछ बदल सकती है। कराची के हलका PS 101 में लोग इस बार किस सियासी जमात पर भरोसा कर रहे हैं, और गुज़िश्ता इंतखाबात में जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी कारकर्दगी से इस हलके के लोग कितना मुतमईन थे, आज के शो में हमने लोगों से बात करने की कोशिश की। पिछली बार इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों सीट्स विन की थी, सूबाई असम्बली की भी, कौमी असम्बली की भी, पर इस बार जब लोगों से बात होती है तो उनका ये कहना है कि जनाब कारकर्दगी की बुनियाद पर इस बार वोट दिया जाएगा। पिछली बार कुछ खातिर ख्वाह काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस वक्त गुलशन इकबाल के इलाकों पर मुश्तमिल जो ये सूबाई असम्बली का हलका है, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और सेवरेज का है, जो कि तबाहाल दिखाई देती हैं, और यहाँ के लोग इससे खासा परेशान हैं। इस बार लोगों का कहना है कि वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जाएगा, ख्वाह सियासी पसंदीदगी कोई भी हो, पर शख्सियत को देखते हुए, उसकी कारकर्दगी को देखते हुए वोट देंगे, तभी इस हलके की सूरत हाल भी बदल सकेगी। अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो इस बार पिछली बार से कुछ नतायज और लोगों के राय मुख्तलिफ दिखाई देती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो तगड़ी जमातें हैं इस हलके से जो कि बाजी मार सकती हैं। अपने होस्ट साथ साबरी को PS 101 से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हलके में आपसे मुलाकात।